कोरोना संकट की इस घड़ी में स्वास्थ्य कर्मी सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये लोग अपने परिवार और अपनी सेहत सब कुछ भूलकर लोगों की सेवा में दिन रात एक किए हुए हैं। इसी बीच एक मामला कोरिया से सामने आया है, जहां एक नर्स अपने छोटे से बच्चे को गोद में लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर डॉक्टरों की टीम के साथ ड्यूटी कर रही है। ये नर्स महेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है, जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर लगी है, लेकिन ये ड्यूटी के साथ ही माँ का भी फर्ज निभा रही है। सपना कहती है कि कोरोना से जंग जीतनी है तो सेवा करनी ही होगी। बच्चे को साथ में लेके आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये ड्यूटी तो ड्यूटी है, मस्ट तो पहले ड्यूटी है। और ये भी है कि हमारे जो सास ससुर चेन्नई में रहते हैं और हमारे मम्मी पापा बिलासपुर में, इसलिए मुझे बेबी को लेके आना पड़ता है, क्योंकि मैंने ड्यूटी को पहले मतलब वो मान्यता दी है। दरअसल सपना के पति भी कर्मचारी हैं और घर में कोई नहीं होने की वजह से अपने बच्चे को साथ लेना पड़ता है। आपको बता दें कि इस नर्स के एक हाथ में जांच किट होती है और दूसरे हाथ में मासूम बच्चा। ये नर्स हर रोज रात 11 बजे तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अपना फर्ज निभाती नजर आती है। कोरिया से न्यूज के लिए सरवर अली।